माँ भारती के सपूतों, आपको याद होगा कि पिछले कुछ सालों में हम 2 अक्टूबर से पहले स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाते हैं। इस बार यह 11 सितंबर से शुरू होगा। इस दौरान हम श्रमदान के जरिए महात्मा गांधी को कार्यांजलि देंगे। इस बार प्लास्टिक पर विशेष जोर देना है। 15 अगस्त को लाल किले से मैंने ये कहा, इस 2 अक्टूबर को हम भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक, क्या इससे देश को मुक्ति दिला सकते हैं? हम निकल पड़े, स्कूल, कॉलेज, हम सब, और घर में प्लास्टिक हो, सिंगल यूज प्लास्टिक, या बाहर चौराहे पर पड़ा हो गंदी ना, सब इकट्ठा करें और हम प्लास्टिक को विदाई देने की दिशा में 2 अक्टूबर को पहला मजबूत कदम उठा सकते हैं क्या? इस मुहिम को लेकर समाज के सभी वर्गों में उत्साह है। इस बार 2 अक्टूबर को जब बापू की 150वीं जयंती मनाएंगे, तो इस अवसर पर हम उन्हें न केवल खुले में शौच से मुक्त भारत समर्पित करेंगे, बल्कि उस दिन पूरे देश में प्लास्टिक के खिलाफ एक नए जन आंदोलन की नींव रखेंगे। मैं समाज के सभी वर्गों से अपील करता हूँ कि इस वर्ष गांधी जयंती एक प्रकार से हमारी इस भारत माता को प्लास्टिक कचरे से मुक्ति के रूप में हम मनाएं। देश की सभी नगरपालिका, ग्राम पंचायत, हर किसी से मेरा अनुरोध है कि प्लास्टिक कचरे के कलेक्शन और स्टोरेज के लिए उचित व्यवस्था हो। मैं कॉरपोरेट सेक्टर से भी अपील करता हूँ, तो इसके उचित निस्तारण हेतु आगे आए, डिस्पोजल की व्यवस्था हो, इसे रिसाइकल किया जा सकता है। बस संकल्प चाहिए। स्वच्छता विकल्प हो, स्वच्छता हो जिसकी जैन चेतना, विधि से, विधान से, प्रण से, मान से, पूर्ण स्वच्छता हो जिसकी कल्पना।